250 फैक्ट्रियों पर लटके कानूनी फंदे की, क्योंकि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने नियम कायदे गिनाकर पांडव नगर की सैकड़ों फैक्ट्रियों पर तलवार लटका दी है। और ये सब तब हो रहा है जब पूरे देश में रोजगार का संकट मंडरा रहा है, लेकिन गाजियाबाद डिमोलिशन अथॉरिटी बनने पर आमदा है। इस मुश्किल वक्त में व्यापारी पीएम मोदी और सीएम योगी की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। व्यापारियों की माने तो पीएम मोदी मेक इन इंडिया लेकर आए हैं। पांडव नगर में बहुत ऐसे उद्योग हैं जो मेक इन इंडिया का सपना साकार कर रहे हैं। नक्शे भी जमा करे हैं लेकिन जीडीए ने पास नहीं करा। किसी क्षेत्र के सामने तो पहला व्यवहार किया जा रहा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के एक एक्शन ने 250 फैक्ट्रियों के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल जीडीए ने 3 दशक पुरानी उन फैक्ट्रियों को ध्वस्तीकरण का नोटिस थमाया है जो जीडीए के पैमाने पर फिट नहीं बैठते। लेकिन जीडीए के एक्शन से व्यापारियों में गुस्सा है, क्योंकि अगर फैक्ट्रियां ध्वस्त हो गईं तो कई परिवारों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि व्यापारिक संगठनों ने मुखर होकर जीडीए के इस नोटिस का विरोध करना शुरू कर दिया है। 30 वर्ष पुराना ये औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर सभी इकाइयां 250 से ज्यादा इकाइयां काम कर रही हैं। एक जीडीए की तरफ से नोटिस आया कि भाई आप लोगों का ये अवैध निर्माण है और इसकी ध्वस्तीकरण के लिए उन्होंने नोटिस इशू कर दिए। उससे क्षेत्रीय उद्यमियों में बेहद भय व्याप्त है और वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कुछ जगह जो उन्होंने नक्शा पास कराने के लिए ऑफर दिया है उसके चार्जेस इतने ज़्यादा लगाए हैं कि वो इस कोरोना के बाद संभव नहीं है कराया जाए। एबीपी गंगा ने जब व्यापारियों से बात की तो उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी खुलकर नजर आई कि जीडीए ने जो नक्शा पास कराने के लिए राशि बताई है वो कोरोना के बाद दे पाना कई व्यापारियों के लिए संभव नहीं है। वहीं एक सवाल फ्री होल्ड का भी है, लेकिन व्यापारियों की माने तो गाजियाबाद में कई और भी इलाके हैं पर सिर्फ पांडव नगर के साथ ही ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वर्तमान में जीडीए जो ये कार्रवाई कर रहा है, इससे पहले लगभग प्रदेश के अंदर 4 या 5 सरकारें जा चुकी हैं। आज तक ऐसा किसी भी सरकार ने नहीं करा, लेकिन वर्तमान में जीडीए के अधिकारियों का रुख देखकर हमें भय लग रहा है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, जबकि शासन की नीति मात्र इतनी है कि शहर के अंदर अवैध निर्माण ना हो। वहीं कई व्यापारियों का कहना है कि जब उन्होंने व्यापार शुरू किया था तब यहाँ कोई भी आना नहीं चाहता था और आज अपनी मेहनत से इसे विकसित कर लिया है तो जीडीए वाले नियमों का हवाला दे रहे हैं। हम लोग फर्नेसेस वगैरह बनाने का काम करते हैं और मैं यहाँ पांडव नगर इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे मुझे खुद आए हुए यहाँ पे और अपना उद्योग लगाए हुए लगभग 25 साल हो गए हैं और उससे पहले का ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ का हाल ऐसे थे, लोग यहाँ आने से डरते थे क्योंकि इतने बड़े बड़े गड्ढे थे यहाँ पे। किसी तरीके से हम लोगों ने मेहनत करके धीरे धीरे इसको जो है अपना डेवलप किया। आज ये जब डेवलप हो गया, आज इनको ये दिखाई देता है कि ये जो है अवैध निर्माण है। जिस समय निर्माण हो रहा था उस समय इन्होंने क्यों नहीं हम लोगों को कहा कि अवैध निर्माण है। और अब मामला बढ़ता देख जीडीए सफाई दे रहा है कि उसने ये नोटिस सिर्फ उन फैक्ट्रियों को दिया है जिनका अवैध जमीन पर निर्माण हुआ है। अगर व्यापारी नोटिस का संतोषपूर्ण जवाब देंगे तो जीडीए आगे देखेगा, जबकि व्यापारियों का कहना है कि अगर वो नोटिस का जवाब ही देते रहेंगे तो व्यापार कब करेंगे, क्योंकि कोरोना के चलते पहले ही व्यापार ठप हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे मोदी जी ने जो सपना देखा है मेक इन इंडिया का, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं पांडव नगर में जो स्वविकसित इंडस्ट्री एरिया है जो मेक इन इंडिया का सपना साकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम माननीय योगी जी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उत्तर प्रदेश में लाए हैं, जिसमें उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को भी कन्वर्जन के लिए प्रोत्साहित किया है, क्योंकि यूपी सीडा के पास अपनी कोई जगह उद्योग लगाने के लिए नहीं है। आज हम 32% जो हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और कई प्रदेशों से, उसका कारण यही है कि एमएसएमई सेक्टर को आगे लाया जा रहा है। अब इस मुश्किल वक्त में व्यापारी पीएम मोदी और सीएम योगी की तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। व्यापारियों की माने तो पीएम मोदी मेक इन इंडिया को लेकर आए हैं। पांडव नगर में बहुत ऐसे उद्योग हैं जो मेक इन इंडिया का सपना साकार कर रहे हैं और साथ ही नौकरी के संकट में कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। ऐसे में जीडीए अगर इन फैक्ट्रियों को ध्वस्त करता है तो फैक्ट्री मालिक के साथ साथ कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से जीडीए की मनमानी पर कोई लगाम लगती है या नहीं। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट।